हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे मैप्स के बारे में, मानचित्र के बारे में। तो इस लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी दक्षिणी अमेरिका की प्रमुख नदियों के बारे में। इसमें बात करेंगे हम लोग अफ्रीका की प्रमुख नदियों के बारे में, ठीक है। इनकी स्थिति देखेंगे, अफ्रीका कहाँ है उसे भी देखेंगे। लेकिन याद रखिए, आपके जितने भी मैप से संबंधित चैप्टर खत्म होते जा रहे हैं, वो सभी मैप्स के नाम से जो आपकी प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है उसी में डले हुए हैं, ठीक है। तो अफ्रीका की प्रमुख नदियाँ, तो सबसे पहले हम लोग अफ्रीका का एक बार मानचित्र की स्थिति देख लेते हैं, कहाँ है मानचित्र में, ठीक। तो ये है हमारी प्यारी पृथ्वी। पृथ्वी में ये आपका एशिया, ये आए नीचे ऑस्ट्रेलिया, या यूरोप है ऊपर, ये है आपका अफ्रीका। कहाँ है? ये है अफ्रीका, ठीक है। इसमें जैसे मिस्र है, सूडान, इथोपिया, सोमालिया, दक्षिणी सूडान, केन्या, तंजानिया, मोजाम्बिक, मेडागास्कर यहीं पास में, जिम्बाब्वे, जाम्बिया, दक्षिण अफ्रीका, नाबेबिया, अंगोला, कांगो गणराज्य, गेबान, गिनी की खाड़ी यहाँ बगल में है, नाइजीरिया, चाड, लीबिया, नाइजर, बुर्किना फासो, घना, गिनी, माली, मोरी टानिया, पश्चिमी सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया और लीबिया, ट्यूनीशिया, यहाँ ऊपर भूमध्य सागर है, ठीक। ये अरब सागर लगा हुआ है। तो चलिए इसके यहाँ आदन की खाड़ी है, ये यही अपना भारत है प्यारा, अरब सागर से होते हुए पहुंच जाते हैं। तो चलिए हम लोग इनकी जो प्रमुख नदियां हैं उनकी अवस्थिति देखते हैं, ठीक है, मैप्स में कहाँ कौन है। तो ये हमारा प्यारा अफ्रीका की प्रमुख नदियां, ये पूरा अफ्रीका, ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर से ही देखते हैं, तो यही है आपकी ये जिब्राल्टर संधि है, और ये है भूमध्य सागर, ये है लाल सागर, ठीक है, और यही ये आदन की खाड़ी है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सेनेगल, सेनेगल नदी के बारे में। यह है आपकी सेनेगल नदी, कौन सी सेनेगल नदी, यह पश्चिमी अफ्रीका को के फुटा जालौन क्षेत्र से निकलकर अटलांटिक महासागर में गिरती है। यह नदी सेनेगल तथा मोरिटानिया की सीमा बनाती है। कहाँ से निकलती है? यह पश्चिमी अफ्रीका के फोटा जलोन क्षेत्र से निकलकर अटलांटिक महासागर में मिलती है, ठीक है। और यह नदी सेनेगल तथा मोरिटानिया की सीमा बनाती है, ठीक है। फिर आपकी यही नीचे है गाम्बिया, एक गाम्बिया है, ये भी आपकी अटलांटिक महासागर में ही निकलती है, मिलती है, ठीक है, गाम्बिया नदी। फिर बात करते हैं नाइजर नदी, ये आपकी नाइजर नदी, ये नाइजर नदी। तो नाइजर के नदी के बारे में याद रखिए, यह फूटा जालोन सेरा लियोन से निकलकर गिनी तना माली नाइजर नाइजीरिया में बहते हुए गिनी की खाड़ी में गिर जाती है। यहाँ ये गिनी की खाड़ी है, इसमें मिल जाती है। खनिज तेल और खाद्य तेल के अत्यधिक परिवहन के कारण इस नदी को तेल नदी भी कहा जाता है। केंजी बांध इसी नदी पर है, ठीक है, याद रखना है आपको। केंजी बांध कहाँ है? इसी नदी पर है। अब बात करें हम बोल्टा नदी, ये है आपकी बोल्टा नदी, बोल्टा नदी कौन सी, ये है आपकी बोल्टा नदी। बोल्टा नदी के बारे में आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? पश्चिमी अफ्रीका की मुख्य नदी जो बुर्किना पठार से निकलकर दक्षिण की ओर बहती हुई अपना जल गिनी की खाड़ी में गिराती है, ठीक है। पूर्वी घना में इस पर आको सोम्बो बांध बनाया गया है, जिसके फलस्वरूप बोल्टा झील का निर्माण हुआ है, ठीक है, यही बोल्टा झील है। फिर है आपकी चारी नदी, कौन सी चारी नदी, ये है यहाँ चारी नदी, ठीक है। चारी नदी के बारे में आपको याद रखना है, यह मुख्यतः चाड में बहने वाली आंतरिक अपप्रवाह वाली नदी जो चाड झील में अपना जल गिराती है, ठीक है, यहाँ ये चाड झील।
इसमें गिरा देती है। ठीक, गुमबेंगुई एवं बी मेंगोई नदियों के संगम से चारी नदी की उत्पत्ति होती है। ठीक है, यहाँ फिर बात करते हैं हम लोग उमांगी नदी, उबांगी नदी, कौन सी उबांगी नदी, यह है आपकी उबांगी नदी। तो उबांगी नदी के बारे में आपको याद रखना है, उबांगी नदी कांगो की मुख्य सहायक नदी है जो वोमू एवं डले नदियों के संगम से बनाती है। यह कांगो नदी का की बाएं तट की सहायक नदी है। एवोला नदी इसकी सहायक नदी है। एवोला नदी के नाम पर ही एवोला वायरस का नाम पड़ा। ठीक है, फिर है आपकी कांगो नदी, ये है आपकी कांगो नदी। कांगो नदी के बारे में याद रखना, मध्य अफ्रीका की तेज बहने वाली कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। एक कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, जिसमें सबसे अधिक पन बिजली उत्पादन करने की शक्ति इसी नदी में है, कांगो नदी में। इसके बेसिन में घने भूमध्य रेखीय सदाबहार जंगल पाए जाते हैं। जंगलों में पिग्मी एवं निग्रो जनजाति के लोग रहते हैं। इसी नदी पर स्टेनली एवं लिविंग स्टोन जलप्रपात अवस्थित है। कसाई ओबांगी इसकी प्रमुख सहायक नदी है। हीरे के व्यापार का लगभग आधा भाग कसाई नदी बेसिन से प्राप्त होता है। ठीक है, फिर है आपकी ये कसाई नदी है, और फिर कसाई क्वांग नदी है। ठीक है, आगे बात करते हैं ऊपर, नील नदी, ये मैन नील नदी है, इसकी सहायक नदियों को देखते हैं पहले। ये है आपकी व्हाइट नील नदी, तो इसके बारे में आपको याद रखना है, ये नील नदी की सहायक नदी है। फिर ब्लू, ये आपकी ब्लू नील नदी, ये भी नील नदी की सहायक नदी है। नील नदी की मुख्य सहायक नदी है जो इथोपिया के टाना झील से निकलकर उत्तर की ओर बहती हुई खार्तूम के स्थान पर सफेद नील के साथ संगम बनाती है। इथोपिया की सीमा के पास सूडान में इस नदी को नोजियर बांध बनाया गया है इस पर। ठीक है, फिर है आपकी नील नदी, यह नील नदी पूर्व अफ्रीका में बहने वाली यह नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। याद रखना, नील नदी विश्व की सबसे नदी लंबी नदी है। विक्टोरिया झील से सफेद नील नाम से निकलकर युगांडा मिस्र बहते हुए नील नदी आपकी भूमध्य सागर में गिर जाती है। ठीक है, मिल जाती है। इसकी लंबाई है 6,695 किलोमीटर। सूडान के खार्तूम में सफेद नील एवं ब्लू नील संगम बनाती है। इस संगम का खार्तूम स्थित खार्तूम और अस्वान बांध के बीच यह कई छोटे प्रपातों से गुजरती है। अस्वान बांध पर पनबिजली उत्पन्न की जाती है। इस नदी पर ओवन बांध और सिन्नार बांध अवस्थित है। काहिरा तथा अलेक्जेंड्रिया नगर इसके तट पर अवस्थित है। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग कौन सी जुबा नदी, यह आपकी जुबा नदी। जुबा नदी के बारे में याद रखिए, क्या याद रखना है आपको जुबा नदी के, पूर्व अफ्रीका की यह नदी जो इथियोपियन उच्च भूमि से निकलकर सोमालिया में बहती हुई ये हिंद महासागर में मिल जाती है, हिंद महासागर है। ठीक है, फिर है आपकी कवांगो नदी, ये आपकी कवांगो नदी है। ठीक है, और यही है आपकी जम्बेजी नदी, यह है जम्बेजी नदी, कौन सी जम्बेजी नदी। जाम्बेजी नदी जो नदी है, यह नदी कटंगा उच्च भूमि से निकलकर जाम्बिया देश में प्रवेश करती है। जाम्बिया तथा जिम्बाब्वे की सीमा बनाती हुई मोजाम्बिक देश से होकर मोजाम्बिक की खाड़ी हिंद महासागर में गिर जाती है। ठीक है, विक्टोरिया प्रपात इसी नदी पर अवस्थित है। ठीक है, फिर आते हैं नीचे, यह लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी, इसके बारे में याद रखिए, दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल क्षेत्र से निकलकर हिंद महासागर में मिलती है। ठीक है, ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। यह नदी दक्षिण अफ्रीका के बोत्सवाना
तथा जिम्बाब्वे से अलग कर दिया। ठीक है, फिर है आपकी बोल नदी। यह बोल नदी, बोल नदी के बारे में आप याद रखिए, क्या याद रखना है आपको कि यह नदी डेकिंस पर्वत से निकलती है। यह ओरेंज नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह ओरेंज नदी, ठीक, ओरेंज जो नदी है, यह नदी दक्षिण में अफ्रीका के टेकिंसबर्ग पर्वत से निकलकर लिसोथो दक्षिण अफ्रीका तथा नामीबिया की सीमा के सहारे प्रवाहित होती हुई दक्षिणी अटलांटिक महासागर के अलेक्जेंडर की खाड़ी में गिरती है। बॉल नदी इसकी प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है, अब इनकी एक बार अवस्थिति देख ली है, बात कर लेते हैं हम लोग इनके कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं जो आप लोगों को याद रखना है उनके बारे में। ठीक है, यह ओरेंज नदी, पहली ओरेंज नदी देखते हैं। यह नदी दक्षिणी अफ्रीका के टेकिंसबर्ग पर्वत से निकलकर लेसोथो दक्षिण अफ्रीका तथा नामीबिया की सीमा के सहारे प्रवाहित होती हुई दक्षिणी अटलांटिक महासागर के अलेक्जेंडर की खाड़ी में गिरती है। बॉल नदी इसकी प्रमुख सहायक नदी है। फिर दूसरी ओकाबांगो नदी, इसे कुआंगो नदी भी कहा जाता है। यह अंगोला से निकलकर कालाहारी मरुस्थल के उत्तर बोत्सवाना में स्थित एक शुष्क बेसिन में गिरकर सूख जाती है। यह नामीबिया और अंगोला के बीच सीमा बनाती है। फिर आपकी ओमो नदी, यह नदी इथोपियाई उच्च भूमि के दक्षिण पश्चिमी भाग में से निकलकर रुडोल झील के उत्तरी भाग में गिरती है। फिर है आपकी जाम्बेजी नदी, यह नदी कटंगा उच्च भूमि से निकलकर जाम्बिया देश में प्रवेश करती है। जाम्बिया तथा जिम्बाब्वे की सीमा बनाती है। वही मोजाम्बिक देश से होकर मोजाम्बिक की खाड़ी हिंद महासागर में गिर जाती है। विक्टोरिया प्रपात इसी नदी पर अवस्थित है। फिर है आपकी ब्लू नील नदी, नील नदी की मुख्य सहायक नदी जो इथोपिया की टाना झील से निकलकर उत्तर की ओर बहती हुई खार्तूम के स्थान पर सफेद नील के साथ संगम बनाती है। इथियोपिया की सीमा के बाद सूडान में इस नदी पर नोजियर बांध बनाया गया। फिर है आपकी नील नदी, पूर्व अफ्रीका में बहने वाली यह नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। विक्टोरिया झील से सफेद नील नाम से निकलकर युगांडा मिस्र बहती हुई नील नदी भूमध्य सागर में अपना पानी गिराती है। इसकी लंबाई है 6,695 किलोमीटर। सूडान के खार्तूम में सफेद नील एवं ब्लू नील का संगम बनाता है। इसी संगम पर खर्तूम स्थित है। खर्तूम और अस्वान बांध के बीच कई छोटे छोटे प्रपातों से गुजरती अस्वान बांध पर पनबिजली उत्पन्न की जाती है। इस नदी पर ओ वन बांध और सेन्नार बांध भी अवस्थित है। काहिरा तथा अलेक्जेंडिया नगर स्तर के तट पर है। ठीक है, फिर आपकी बोल्टा नदी, पश्चिमी अफ्रीका की मुख्य नदी जो बुर्किना पठार से निकलकर दक्षिण की ओर बहती हुई अपने जल गिनी की खाड़ी में गिराती है। दक्षिण पूर्वी घना में इस पर आको सोम्बो बांध बनाए गए हैं जिसके फलस्वरूप वोल्टा झील का निर्माण हुआ है। फिर आपकी नाइजर नदी, नाइजर नदी के बारे में आपको याद रखना है। नाइजर पश्चिमी अफ्रीका की मुख्य नदी है। लोमा पर्वत से निकलकर यह नदी माली, नाइजर और नाइजीरिया से होती हुई ग्रीनी की खाड़ी में अपना जल गिराती है। बमाको माली नियामे लोगास इसी झील पर अवस्थित है। फिर है आपकी कांगो नदी, कांगो नदी जो है मध्य अफ्रीका की तेज बहने वाली कांगो नदी विषुवत रेखा को दो बार काटती है। याद रखना, कांगो नदी विषुवत रेखा को दो बार काटती है। विश्व में सबसे अधिक पनबिजली उत्पादन करने वाली शक्ति इसी नदी पर है। इसके बेसिन में घने भूमध्य सागरीय भूमध्य रेखीय सदाबहार जंगल पाए जाते हैं। जंगल में पिग्मी एवं निग्रो जनजाति के लोग रहते हैं। इसी नदी पर स्टेनले एवं लिविंग स्टोन जलप्रपात अवस्थित है। कसाई ओबांगी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। हीरे के व्यापार का लगभग आधा भाग कसाई नदी बेसिन से प्राप्त है। फिर है चारी नदी, मुक्ता चाड़ में बहने वाली आंतरिक आप्रवाह वाली नदी जो चाड़ झील में अपना जल गिराती है। गुम्बिंगोई एवं बी मिंगोई नदियों के संगम से चारी नदी की उत्पत्ति होती है। फिर है आपकी लिम्पोपो नदी,
दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल क्षेत्र से निकलकर हिंद महासागर में गिरती है। यह मकर रेखा को दो बार काटती है, याद रखना है, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को दो बार काटती है। यह नदी दक्षिण अफ्रीका के को बोत्सवाना तथा जिम्बाब्वे से अलग करती है। अगली हमारी सेनेगल नदी पश्चिमी अफ्रीका के फूटा जलोन क्षेत्र से निकलकर अटलांटिक महासागर में गिरती है। यह नदी सेनेगल तथा मोरिटानिया की सीमा बनाती है। फिर जुगा नदी अफ्रीका की यह नदी जो इथियोपियन उच्च भूमि से निकलकर सोमालिया में बहते हुए हिंद महासागर में गिरती है। फिर नाइजर नदी यह नदी फूटा जालोन सेरा लियोन से निकलकर गिनी माली नाइजर नाइजीरिया में बहते हुए गिनी की खाड़ी में गिरती है। खनिज तेल और खाद्य तेल के अत्यधिक परिवहन के कारण इस नदी को तेल नदी कहते हैं। केंगी बांध इसी नदी पर अवस्थित है। फिर आपकी उबांगी नदी कांगो की मुख्य सहायक नदी जो बोमू एवं डले नदियों के संगम से है। यह कांगो नदी की दाएं तट की सहायक नदी है। एबोला नदी इसकी सहायक नदी है। एबोला नदी के नाम पर ही एबोला वायरस का नाम रख पड़ा। फिर वाल नदी यह नदी डेकिन्सबर्ग पर्वत से निकलकर ऑरेंज नदी की सहायक नदी है। ठीक है, ये आपकी वोल नदी। तो ये थी आपकी अफ्रीका की प्रमुख नदियां। अब बात करेंगे आगे हम लोग यूरोप की प्रमुख नदियां। यूरोप में भी बहुत नदियां हैं, उन्हें भी देखेंगे।